हेलो इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि पैराग्राफ अलाइनमेंट को कैसे चेंज किया जाता है जैसे अगर हम चाहते हैं कि पैराग्राफ को लेफ्ट साइड करना है या राइट साइड करना है या सेंटर करना है या जस्टिफाई करना है तो इसको कैसे करेंगे इसको इस वीडियो में हम सीखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे है चेंजिंग पैराग्राफ अलाइनमेंट तो ये देखो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट अलाइनमेंट को चार प्रकार में विभाजित किया गया है फर्स्ट है लेफ्ट सेकंड है सेंटर थर्ड है राइट right, और फोर्थ है जस्टिफाई तो सबसे पहला है लेफ्ट अलाइनमेंट तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट की डेफिनेशन है पेज की लेफ्ट साइड पर किसी भी टेक्स्ट अमेज पैराग्राफ आदि को सेट करने के लिए लेफ्ट अलाइनमेंट का उपयोग करते हैं एस कोडिंग के अनुसार इसे पैराग्राफ अलाइन यानी ये देखो अगर हमने पैराग्राफ को लेफ्ट साइड करना है तो हमने क्या लिखना है पी पी का मतलब है पैराग्राफ अलाइन का मतलब है अलाइनमेंट तो पी अलाइन इज इक्ल टू लेफ्ट यह लिखना है तो जब हम लेफ्ट लिखेंगे तो उसको बोला जाएगा लेफ्ट अलाइनमेंट इसके बाद है सेंटर अलाइनमेंट तो इसकी डेफिनेशन है पेज के सेंटर एरिया पर किसी भी टेक्स्ट अमीज़ पैराग्राफ आदि को सेट करने के लिए सेंटर अलाइनमेंट का उपयोग करते हैं एस टी एम एल कोडिंग के अनुसार इसे पैराग्राफ अलाइन यानी पी अलाइन इज इक्वल टू सेंटर अगर हमने पैराग्राफ को सेंटर में करना है तो हमने क्या लिखना है यहाँ पे इज इक्वल टू सेंटर सेंटर लिखेंगे तो जो पैराग्राफ होगा वो सेंटर में हो जाएगा इसके बाद है राइट अलाइनमेंट इसकी डेफिनेशन है पेज की राइट साइड पर किसी भी टेक्स्ट अमेज पैराग्राफ आदि को सेट करने के लिए राइट अलाइनमेंट का उपयोग करते हैं एस कोडिंग के अनुसार इसे पैराग्राफ अलाइन यानी पी अलाइन इजिकल टू राइट अगर हमने पैराग्राफ को राइट साइड करना है तो हम क्या लिखेंगे पी अलाइन इजिकल टू राइट इसके बाद है जस्टिफाई अलाइनमेंट तो इसकी डेफिनेशन है एक पैराग्राफ को बोथ साइड यानी लेफ्ट टू राइट इक्वली रखने के लिए जस्टिफाइड अलाइनमेंट का उपयोग करते हैं एस टी एम एल पर इसे पैराग्राफ अलाइन यानी पी अलाइन इज टू जस्टिफाई इसका मतलब ये है अगर हम लेफ्ट साइड से और राइट right साइड से एक जैसा पैराग्राफ रखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे यूज करेंगे जस्टिफाई इसके बाद इसका प्रोग्राम है क्रिएट ए पेज टू अलाइन ए पैराग्राफ टू लेफ्ट राइट सेंटर एंड जस्टिफाई तो इस प्रोग्राम को हम नोट पैड में करेंगे तो ये देखो हमने नोट पैड पर एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें कि हमने पैराग्राफ को राइट साइड किया हुआ है सेंटर किया हुआ है लेफ्ट साइड किया हुआ है और जस्टिफाई किया हुआ है तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे एस उसके बाद हेड उसके बाद टाइटल और टाइटल में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है पैराग्राफ अलाइनमेंट टाइटल को बंद करेंगे इसके बाद यहाँ पे हेड को बंद करेंगे इसके बाद यहाँ पे बॉडी टैग लगाया हुआ है इसके बाद यहाँ पे H1 का यूज किया हुआ है हेडिंग का यूज किया हुआ है और फिर यहाँ पे ये एक पहला पैराग्राफ है ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक पहला पैराग्राफ है ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इस पैराग्राफ को हम राइट साइड करेंगे तो हमने क्या लिखना है P P का मतलब है पैराग्राफ इसके बाद अलाइन अलाइन का मतलब है अलाइनमेंट इज इक्वल टू राइट ये हमने लिखा इसके बाद यहाँ पे ये पैराग्राफ बंद हुआ है इसके बाद यहाँ पे P टैग को बंद करेंगे इसके बाद यहाँ पे ब्रेक कमांड यूज करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेकंड पैराग्राफ है इसको हम क्या करेंगे सेंटर में करेंगे तो हमने लिखना है पी एल आई सेंटर इसके बाद यहाँ पे पी टैग को बंद करेंगे और यहाँ पे ब्रेक कमांड का यूज करेंगे इसके बाद ये थर्ड पैराग्राफ है ये यह देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये यह तीसरा पैराग्राफ है तो तीसरे पैराग्राफ को हम लेफ्ट साइड करेंगे तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है पी अलाइन इज लेफ्ट और यहाँ पे पैराग्राफ को बंद करेंगे और इसके बाद ब्रेक कमांड का यूज करेंगे इसके बाद यहाँ पे ये यह देखो ये लास्ट वाला पैराग्राफ है ये यह देखो यहाँ से लेके यहां तक ये यह लास्ट वाला पैराग्राफ है इसको हम यहाँ पे जस्टिफाई करेंगे मतलब लेफ्ट साइड से और राइट साइड से इसको एक जैसा रखेंगे तो हमने क्या लिखना है यहाँ पे पी अलाइन इजिक्ड टू जस्टिफाई ये लिखा लिखने के बाद यहाँ पे पैराग्राफ को बंद करेंगे और इसके बाद यहाँ पे ब्रेक टैग का यूज़ करेंगे और फिर हम यहाँ पे एच वन टैग को बंद करेंगे बॉडी टैग को बंद करेंगे एस टी एम एल को बंद करेंगे फाइल टैप पे जाएंगे सेव एज पे जाएंगे सेव एज पे जाने के बाद ये सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा कहाँ पे इसको सेव करना है डेस्कटॉप पे करना है इसके बाद यहाँ पे हम फाइल नेम देंगे तो हमने यहाँ पे फाइल नेम दिया टी वाई ये फाइल नेम दिया इसके बाद डॉट फिर एक्सटेंशन लगाएंगे एच टी एम एल ये एक्सटेंशन लगाए इसके बाद ये यहाँ पे इसको सेव कर देंगे ये सेव करने के बाद ये देखो ये डिफ़ॉल्ट ब्राउजर में ये यहाँ पे आ जाएगा इसको हम यहाँ पे ओपन करेंगे तो ये देखो ये जो आउटपुट आ रही है हमारे पास ये चार पैराग्राफ है ये फर्स्ट ये सेकेंड ये थर्ड और ये फोर्थ तो ये देखो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने यूज़ किया हुआ है राइट ये देखो पी एल आई इक्वल टू राइट ये फर्स्ट पैराग्राफ है तो ये जो पैराग्राफ है ये सारा राइट साइड से है तो ये देखो ये जितना भी पैराग्राफ है ये राइट right साइड हो गया है इसके बाद सेकंड पैराग्राफ देखो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया हुआ है पी अलाइन इक्वल टू सेंटर तो ये जो पैराग्राफ हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये सेंटर में हो गया है ये देखो ये सारा पैराग्राफ यहाँ पे सेंटर में हो गया है इसके बाद थर्ड हमने पैराग्राफ के लिए यूज़ किया हुआ है पी अलाइन इक्वल टू लेफ़्ट तो ये देखो ये जितना भी पैराग्राफ लिखा हुआ है ये लेफ्ट साइड से लिखा हुआ है इसके बाद अगला है ये देखो यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है पी एलाइन इज कडू जस्टिफाई तो ये देखो ये लास्ट वाला पैराग्राफ जो है ये दोनों तरफ से लेफ्ट साइड से और राइट साइड से बराबर है ये देखो यहाँ से बराबर है और यहाँ से बराबर है तो इस प्रकार यहाँ पे हम पैराग्राफ अलाइनमेंट का यूज़ करते हैं तो इस वीडियो में हमने ये सीखा कि पैराग्राफ को लेफ्ट साइड राइट साइड सेंटर और जस्टिफाई कैसे किया जाता है इसके बारे में सीखा अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल